अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील, और स्टूडेंट्स हम डीए मैथ्स 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सेकंड क्वेश्चन, इसमें फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपने तो करना क्या कि आपके पास रूट्स दिए गए हैं जो कि बता रही है कि इक्वेशंस आर इक्वल, मतलब होता है कि रूट्स जब इक्वल हो रहे होते हैं, इस केस में होता यह है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास रूट्स की नेचर होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में कोई वैल्यू पुट करें अगर वो जीरो आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो इक्वल है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डाटा क्या है कि ए इज इक्वल टू है के प्लस टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है माइनस टू और साथ के लग गया, और इसके साथ ही जो विदाउट वेरिएबल जो एक्स के बगैर है वो हमारे पास है के माइनस वन, बल्कि सॉरी मुझे यहाँ पर सी भी लिखना चाहिए है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना है कि सी इज इक्वल टू के माइनस वन, सही हो गया। अब ए बी सी की वैल्यूज आ गई, दूसरा हमें पता चल गया कि इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हमने खुद से लिखना है, और अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो बी की वैल्यू है माइनस टू के का स्क्वायर हो गया, माइनस फोर आ गया, ए क्या है के प्लस टू, और सी की वैल्यू कितनी है के माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वल टू जीरो, अब जस्ट आप सॉल्व करें और के की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट में आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ गया, लिख लेते हैं टू टू द फोर हो गया, के का स्क्वायर आ गया, इसी तरह से माइनस किया। अब ये फोर आपके पास जो है वो अभी ऐसे रहने देते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले हम k को भी k माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस में टू को भी k माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू जीरो, उसके बाद फिर बाद में फोर से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर है, अंदर आपके पास k और k मल्टीप्लाई हुआ तो k का स्क्वायर आ गया, फिर आपका आ जाएगा अंदर, अब ये आपके माइनस k आ गया और प्लस, फिर ये नेक्स्ट वाले में देखें टू के और माइनस में टू आ गया, सही है इक्वल टू जीरो, सही हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 4k स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई करनी है, या एक स्टेप और देखें सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये k स्क्वायर माइनस और प्लस आपका हो गया सिंपल k, और इसके साथ ही आपका हो गया ये माइनस में 2, ठीक है इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमने सिर्फ k की वैल्यू चाहिए ना, तो ये आप मल्टीप्लाई करें सो 4k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में, अब ये दो वैल्यूज भी हो सकती हैं कि 4k इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, तो एक तो वैसे ही रूट जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके आंसर बुक में देख लेता हूँ, ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2 और इसका आंसर 2 आना चाहिए, अभी देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस में, अब ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4k स्क्वायर हो गया, फिर आपके आगे यहाँ पे माइनस 4k, सही है ना, और माइनस माइनस हो गया प्लस और टू और इक्वल टू जीरो। ये देखें पॉजिटिव 4k नेगेटिव 4k स्क्वायर जो है स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास वो है कि माइनस 4k और प्लस टू इक्वल टू जीरो, हम जो है ना 4k को उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, टू इज इक्वल टू 4k आ गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको 4k इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से k इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 करने से इसका आंसर 2 नहीं आ रहा, 1 डिवाइड बाय 2 आता है। तो हमें अब अपने क्वेश्चन को अगेन देखना पड़ेगा, सॉरी गलती यहाँ पे हुई है, देखें 4k स्क्वायर भी ठीक है प्लस 4 भी ठीक है, लेकिन ये 4 टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा ना, इस जगह पर देखें ठीक है यहाँ पर आएगा आपका 8। अच्छा क्या ना इसको देख लिया मैं, इसलिए आंसर देख रहा होता हूँ, तो यहाँ पर 8 है हमारे पास। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि ये जहाँ जहाँ पर 2 लिखा था मैंने वहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। अब ये देखिए कि 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8, तो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल अब ठीक आंसर आ गया कि हमारी k की वैल्यू जो है वो 4 होगी। आई होप कि ये जो छोटी सी बीच में मिस्टेक हुई इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, और कोशिश करें कि आपने भी क्वेश्चन जब करना है तो बिल्कुल
फोकस करते हुए, कंसंट्रेट करते हुए क्वेश्चन कीजिएगा। और अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग अब जो आपका जो करंट सेशन 2022 टू 2023 है एंड ऑनवर्ड जितने भी आगे एग्जाम होंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। और इसके साथ ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।